हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप जैसा कि वीडियो क्लिप्स देख करके आपको समझ में आ ही हो गया होगा कि हाउस वार्मिंग की तैयारी लगभग कंप्लीट हो चुकी है। और यहाँ पर ना ये नो ब्रोकर वाले आ गए थे जिनसे मैंने हाउस क्लीनिंग कराने का मतलब बुक तो किया था, लेकिन नो ब्रोकर ना अब आजकल बी केयरफुल, अगर आप नो ब्रोकर बुक कर रहे हैं तो एवरीथिंग पहले ही अपना क्लियर कर लें, क्योंकि नो ब्रोकर की सर्विस अभी तक काफ़ी अच्छी थी और मैं हमेशा उनसे ही बुक करती थी, चाहे वो शिफ्टिंग हो, क्लीनिंग हो, जो भी हो। लेकिन अभी ना इनकी सर्विस काफ़ी ख़राब हो गई है और ये लोग ना प्रॉपर रिस्पॉन्स तक नहीं दे रहे हैं। जैसे ही मैंने बुक किया तो मतलब मैं जब बुक ही कर रही थी तब तक इनका कॉल आ गया और जो लेडी मुझसे बात कर रही थी, और ये मेरा बैड लक कि मैंने उसका नाम नहीं पूछा था तो मैं यहाँ पे बता भी नहीं पाई, उस लेडी ने बात की और सब कुछ, मेरी बुकिंग वगैरह भी हो गई और मैडम आपका सब कुछ डीप क्लीन हो जाएगा, किचन, वार्डरोब, बाथरूम सब कुछ। और जब बुकिंग का मतलब जब टाइम आया, इन्होंने टाइम स्लॉट दिया था 12:30 का, लेकिन ये लोग ना 10 बजे ही पहुँच गए थे, तो ये भी एक प्रॉब्लम थी। तो चलिए उसका मैं आगे आपको बताऊंगी, ये ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं कि उसी दिन जब क्लीनिंग के लिए आए ये लोग आए और हम फ्लैट पर पहुँचे, फ्लैट से जब वापस आने लगे तो अचानक मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो गया, इतनी तेज़ आंधी तूफान और बारिश आई एक साथ। ये तो काफ़ी कम हो गया था तब का मैंने वीडियो निकाला, क्योंकि मोबाइल वगैरह सब हम लोग रख दिए थे, आधे हम लोग वेट हो चुके थे। तो एक होटल था वहाँ पर हम लोग रुक गए थे, रोड की हालत आप देखिए ना, ऐसा लग रहा था कि कुछ देर में नाव चलने लगी अगर ये बारिश कंटिन्यू हुई तो। तो यहाँ पर रुक करके हम लोग थोड़ा सा वेट कर रहे थे, क्योंकि ना मतलब पानी भी इतना ठंडा था बारिश का कि ठंड लग रही थी, हम भींग करके भी नहीं जा सकते थे, हम लोग स्कूटी पे थे। फिर उसके बाद घर आने के बाद ना ये सामान आप देख रहे हैं, हम लोग ना बस पैक किए जा रहे थे जो जो सामान पूजा का या फिर जो रिटर्न गिफ्ट था, ये सब जो कुछ भी वहाँ पर हमें ना मतलब रखना था, वो धीरे धीरे जितनी शॉपिंग हमने की थी वो सब कुछ यहाँ पर ला करके एक जगह इकट्ठा रखे थे। उधर नो ब्रोकर वालों ने सुबह से दिमाग ख़राब करके रख दिया था, जब मैं कॉल कर रही हूँ, सुबह से मैं कॉल कर रही हूँ, 10 बजे ही वो लोग आ गए थे, हमारी बुकिंग थी 12:30 की, लेकिन ये लोग का कोई रिस्पॉन्स नहीं था। मैं बार बार कॉल, और जो बंदा आया था क्लीन करने वो जब भी आ रहा है कॉल करके बोल रहा है, मैडम डीप क्लीन कवर्ड का नहीं हो पाएगा, ये तो एक्स्ट्रा है, आपने ये वाला बुक किया। मैंने कहा भाई मैंने प्रीमियम लिया है, मैंने 4000 समथिंग मैंने पेड किया है और अभी आप कह रहे हो कि ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा, तो अब कुछ कर नहीं सकते थे। मैंने उनको, क्योंकि नो ब्रोकर वालों का कोई रिस्पॉन्स नहीं था, तो वो बंदा भी वेट करते करते चला गया, इवन उसका जो वेंडर था वो भी उसे रिप्लाई नहीं कर रहा था। तो गाइस बी केयरफुल विद द नो ब्रोकर। उसके बाद ना फिर शाम को दूसरा, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था, क्योंकि मेरे पैसे भी रिफ़ंड होने का ना कोई चांस नहीं था, मैंने सबको कॉल करके, मेल डाल के, ट्वीट डाल के, इवन नो ब्रोकर के CEO को मैंने मेल तक डाला है, बट स्टिल नो रिप्लाई एट ऑल। तो आप जब भी बुक करें ना ये सब कुछ क्लियर करके करें, इन लोगों की सर्विस काफ़ी ख़राब हो गई है, और ये भी मुझे कहना पड़ेगा बड़ी जल्दी ये कंपनी बंद हो जाएगी। आपको शायद कुछ लोगों को अच्छी लगे या बुरी लगे, बट ये बात ना सच साबित होगी कुछ दिनों में, आप लोग देखिएगा। तो उसके बाद वो लोग नाइट तक ना, जब वो रीशेड्यूल मैंने फिर से किया तो फिर दूसरा बंदा आया, फिर उसने वही बात बोली कि आपका वो डीप क्लीन नहीं होगा, ये होगा। मैंने कहा ठीक है, अब मेरे पास ना पेशेंस है और ना ही मेरे पास टाइम है, तो मैं जो क्लीन करना है तुम क्लीन करो और जाओ यहाँ से। उसके बाद हम लोग ना फिर जब वो क्लीन करके चले गए, तो हम लोग फिर जो स्टेप्स मतलब कि ये 9 मई का, 10th को हाउस वार्मिंग थी और 8th को नाइट तक उन्होंने क्लीन किया था। तो 9th को सुबह सुबह ना हम लोग जो सामान सब था, हम लोग आए देखने के लिए भी कि उसने कैसा क्लीन किया है, और इवन हम लोग जो सामान था वो भी गाड़ी में लेकर चले आए थे कि जब जा ही रहे हैं तो सामान भी रख देंगे। तो क्लीनिंग वाइज जो उन्होंने किया था वो ठीक था, ये भी मैं कहूँगी, ऐसा नहीं है कि मैं उन पर गुस्सा हूँ तो कुछ भी बोलूँ, लेकिन फिर भी अंदर से जैसा होता ना पूजा मंदिर था, तो मुझे था कि मैं खुद से ये क्लीन करूँगी तभी जा कर के अपने भगवान को यहाँ पर रखूँगी। तो उसे मैं क्लीन कर रही थी, इवन ना बहुत सारे किचन के जो कबर्ड थे वो उन्होंने उसे डीप क्लीन किया था, बट फिर भी मुझे था कि मुझे खुद से करना। इधर ये पूजा यूनिट का तभी पता चला कि स्ट्राइप लाइट जो लगाया है वो जल ही दिया था। अब हम लोग फिर से टेंशन में आ गए कि ये सब क्या हो रहा है भाई, एक दो दिन बचा और एक बार कहीं कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है, बिना प्रॉब्लम के ना कोई काम हो ही नहीं सकती है। तो चलो कोई बात नहीं, हमेशा मुश्किलें आती हैं और वो ख़त्म भी हो जाती हैं समय के साथ।
तो कोई ना बाधाएं आ ही रही थी। तो जैसे ही हम लोग फिर ये सामान वगैरह रख करके निकले, तो अभी मुझे ध्यान आ गया कि अरे मैंने किचन वाला तो कम से कम वाइप मुझे करना है खुद से, वो मैंने किया ही नहीं। इवन इधर जो चिमनी इंस्टॉल हो गया था, इवन गैस स्टोव भी लग गया था, तो मुझे उसका भी कवर निकाल के उसे थोड़ा सा ना वाइप करके रेडी करना था, क्योंकि जब गृह प्रवेश होगा उसके बाद चूल्हे की जब पूजा की जाएगी तब तक सब रेडी रहना चाहिए। मैंने फ्रेम भी निकाला, फ्रेम एक्चुअली क्या था कि इन्होंने गैस चूल्हा लगा दिया था, फ्रेम निकाल के कबर्ड में डाल दिया था, मैं सोच रही थी कहाँ गया। तो वो सब करने के बाद हम घर आ गए, घर आकर के फिर ना हम सारा सामान देखने लगे कि कौन कौन सा सामान गया है, कौन सा सामान बाकी है। तो इसमें हम दोनों लगे हुए थे, और अभी जो मतलब वहाँ जाने पर पता चला कि कुछ सामान ना कम हो गया, जैसे नारियल की काउंटिंग ना मतलब कुछ और ज़्यादा पंडित जी ने बता दी थी, तो वो सब भी हमें लेकर के जाना था, तो वो सब हम ले आए थे और अभी उसे ही कार्टन में डाल रहे थे। इवन इधर एक बेड भी ले जाने की तैयारी हो रही थी, क्योंकि गृह प्रवेश के बाद तो ना मतलब हम दोनों तो वहीं पर सोएंगे जो भी गृह प्रवेश करता है, ये नियम है। उसके बाद इधर आकांक्षा भी लग गई थी कि लाओ मैं पैक करती हूँ ये सारा सामान, तो वो भी ये सब मतलब जो थोड़े बहुत खाली डब्बे वगैरह थे ना, तो मैंने सोचा कि वहाँ पर पूजा के दिन भी कुछ काम आ सकते हैं, तो ये सब कुछ सामान वहाँ पर थोड़ा सा रख दिया जाए। सारा सामान हम लोग पैक कर रहे थे, और उसके बाद ना ये वाटर कैन भी हम लोगों ने रखा था, डिस्पेंसर भी रखा था, कि क्योंकि वहाँ तो अभी फ़िल्टर लगा नहीं है, फ़िल्टर तो अभी यहीं पर है, जिस दिन शिफ्टिंग होगी तो 13 या 14 तारीख को ही फिर लग पाएगी। इधर इसके बाद रिटर्न गिफ्ट के लिए जो केला हम लोग लेकर आए थे, थोड़ा सा हरा ही लिए थे क्योंकि अभी एक दिन है ना, तो तब तक और ज़्यादा पक जाएगा तो पूरा पीला हो जाएगा, अगर हम पीला ही लेते तो फिर वो काला हो जाता, तो इसीलिए। और यहाँ पर ये बहुत सारा कुछ ऐसा सामान था जिसे हम लोग सोच रहे थे कि अभी एक जब गाड़ी जा रहा है तो कुछ सामान हम लोग वहाँ तक पहुँचा देते हैं। इवन जब शिफ्टिंग होगी ना तो हम लोग ना बड़ा बड़ा सा पैकेट बना के एक टंबल गनी बैग जैसा बना के रख रहे थे, ताकि ना जब ये लोग नो ब्रोकर वाले सब आते हैं ना तो फिर काफ़ी मुश्किल हो जाती है, सारा सामान एक साथ डंप होने लगता है, तो इसीलिए सारी भी तैयारी चल रही थी साथ में। अब धीरे धीरे हम लोग ये सब सारा सामान गाड़ी में लोड करने के लिए लिफ्ट से लेकर जाने के सब वेट करते कि वन बाय वन, क्योंकि एक साथ गाड़ी में ना पीछे सिर्फ मैं और हस्बैंड दोनों ही, हम दोनों ही जा रहे थे आगे बैठ करके, और पीछे डिक्की में पूरा फुल लोड करके सामान ही जा रहा था। तो मिस्टी भी थोड़ी सी हेल्प कर रही थी हमारी, उसके लेवल का जो था वो भी इसे लेकर के सामान को नीचे गाड़ी में लोड करने के लिए जा रही थी। तो आगे देखिए थोड़ा सा कि हम लोगों ने ऑर्डर क्या किया। जो आपने फ़िश देखा ना, तो फ़िश पहले से ही था, फ़िश बाउल उसमें और फ़िश डाली गई थी, क्योंकि गृह प्रवेश के समय ना मछली देखकर जाना शुभ माना जाता है मेरे ससुराल में, इसलिए लाए थे। उसके बाद ना फिर वो सारा सामान हम लोग उस फ्लैट पे सेटल डाउन करने के बाद हम लोग आ गए थे ये रिटर्न गिफ्ट वाला लड्डू लेने के लिए जो हमें उस डब्बे में देना था। तो वो सारा चीज़ भी ना मैं आपको आगे दिखाऊँगी अपने नेक्स्ट वाले ब्लॉग में,
तो ये SRM स्वीट टूरिस्ट लेआउट में है, तो यहाँ की मिठाई काफ़ी ज़्यादा फेमस है। मतलब दूर दूर से भी लोग आते हैं, इनकी स्वीट्स काफ़ी अच्छे होते हैं, इवन रीज़नेबल भी हैं कंपेयर टू कांति और वेंकटेश्वरा। उसके बाद ये वही 9 तारीख का ही है, ये भी 9 तारीख शाम को ही पंडित जी आ गए थे फ्लैट पर सारी तैयारी करने के लिए, क्योंकि ना सुबह जब अगर ये तैयारी होगी और फिर पूजा शुरू होगी तो काफ़ी टाइम हो जाएगा, तो रात को ही ना सारी तैयारी उन्होंने शुरू कर दी थी और फिर हम लोग यहाँ पर आ गए थे। वो सारा सामान, मतलब जो पंडित जी ने और कुछ भी मंगवाया था वो सब भी लेकर के, तो इधर ये इलेक्ट्रिशियन भैया भी आए थे क्योंकि वो मंदिर वाला स्ट्राइप लाइट नहीं चल रहा था ना, मैंने बताया था, तो वो उसे ठीक करने के लिए, तो बोल रहे थे कि भाभी आज तो पूरा लाइट जला दो, आज इसी के लिए तो इतने दिनों से मेहनत करके हम लोगों ने बनाया था। मतलब ठीक है भाई आप जलाओ, आज भी जलाओ, कल भी जलाओ, हर दिन जलाओ। तो उनके उन्होंने भी उन लोगों को भी अच्छा लगता है कि उन्होंने इतना काम किया, ये सब कुछ बनाया है, तो वो खड़े होकर बोल रहे थे कि आज लाइट नहीं जलेगा तो कब जलेगा। इधर पंडित जी अपनी तैयारी में थे, इधर चावल वगैरह उन्होंने ये कलर कर लिया था और आप देखने से थोड़ा सा फ़ैन में डाला था कि थोड़ा सा ड्राई काइंड ऑफ हो जाए। उसके बाद पंडित जी ना वो 5 चौकी जो उन्होंने बनाई है उस पर वो वेदी बनाना शुरू करेंगे, और अभी ये सारे ना कलश में कलावा बांध रहे थे, रक्षा धागा। तो ये सारी तैयारी पंडित जी बोले कि मुझे 4 से 5 घंटे लग जाएंगे ये सब कुछ तैयारी करने में। तो इवन सारा सामान देखने के बाद भी पंडित जी को कुछ कुछ सामान कम लग रहा था तो उन्होंने बताया, तो फिर मैं गई थी लेने, उसके बाद सुमन भैया थे तो उन्हें भी हमने फ़ोन करके, और उसी वक्त बारिश, इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि क्या बताऊँ। मतलब सुमन भैया भी भींग गए, हम लोग भी भींग गए, इवन हमें ना लड्डू भी लाना था जो पूजा वाला, वो भी आया था वेट होकर आया था। तो मतलब ऐसी हालत, मतलब सडनली ना मौसम बहुत ही ज़्यादा बदल गया था। तो इधर ये पंडित जी की तैयारी, उधर हम लोग बारिश में भींग रहे थे, तो मतलब कुल मिलाकर ना हम लोग पूरे तरीके से, मतलब 2 घंटे हम लोग इतने ज़्यादा 9th को, मतलब कि 9 तारीख को इतने ज़्यादा परेशान हुए, लग रहा था बाप रे कैसे सब कुछ होगा। फिर लग रहा था कि अभी इतना सारा काम बाकी है, रात को ही है, सुबह सुबह तो पूजा शुरू हो जाएगी, फिर कुछ काम पेंडिंग ना रह जाए। तो जैसा होता है ना, हर किसी को फंक्शन के पहले थोड़ी सी घबराहट होती है कि ताकि कहीं कोई कमी ना रह जाए, तो अपने हिसाब से हम लोग पूरी कोशिश कर रहे थे कि कुछ भी कमी ना रहे, और आगे तो भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छा होना ही है, सब कुछ अच्छे से हो भी जाएगा। इधर ये सब कुछ, मतलब सारी तैयारी पंडित जी ना आज ही कर रहे थे, क्योंकि उन्हें था कि सुबह होते ही ना, क्योंकि शुक्रवार था 10 तारीख, उस दिन 10:30 से 12:30 ये राहु काल भी रहता है, तो उनका था कि उससे पहले पूजा शुरू हो जानी है, क्योंकि राहु काल में कुछ करते नहीं हैं ऐसा सबको पता है। तो गाइस नेक्स्ट ब्लॉग का ज़रूर वेट कीजिएगा, क्योंकि हाउस वार्मिंग 7 का आपको ब्लॉग मिलेगा और पूरा घर भी देखने को मिलेगा। तब फिर मिलते हैं, बाय।